हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपकी टीचर अंजना, और आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा साइंस के ऊपर, जिसमें हम कवर करेंगे ग्रेविटेशन का लेवल 1। तो स्टार्ट करने से पहले एक और बात, अगर अभी तक किसी ने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पे हम आपको फ्रेश टेस्ट सीरीज जो है वहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। सॉल्व और अनसॉल्व टेस्ट सीरीज दोनों ही मिलेंगी आपको, मैट और सैट की, और सैट के साइंस, मैथ्स एंड SST के नोट्स भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए ज़रा आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो मैं फोर्स का पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, फोर्स विच इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैंने लगा दिया इज इक्वल टू, और यहाँ पे लगा दिया हमने ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो चलिए ज़रा चेक करते हैं। तो जो फोर्स है वो देयर सेपरेशन पे भी डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस पे भी डिपेंड कर रही है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट पे भी डिपेंड कर रही है। सो जो रॉन्ग आंसर है दैट इज द सम ऑफ देयर मासेस, तो थर्ड इज द आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। The acceleration due to gravity has the same value everywhere in space, has the same value everywhere on the earth, varies with the latitude on the earth, is greater on the moon due to its smaller diameter. तो देखिए जो gravity होती है ना earth की, वो poles पे जो होती है और equators पे vary कर जाती है। ठीक है, जो आपकी acceleration due to gravity है surface of earth पे, पोल्स और इक्वेटर पे क्या कर जाती है, वेरी कर जाती है, वो हमेशा सेम नहीं रहती। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा वेरीज विद द लैटिट्यूड ऑन द अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल टू, अब यहाँ पे न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशन पे वो देखते हैं किस पे एप्लीकेबल है। बॉडीज ऑफ द सोलर सिस्टम ओनली, बॉडीज ऑन द अर्थ, प्लैनेट्स ओनली, ऑल द बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। तो जो न्यूटन का लॉ था वो सभी पे था, ऑल द बॉडीज ऑफ यूनिवर्स, जितनी भी यूनिवर्स पे बॉडी है, प्लैनेट्स हैं आपके, उन्हीं सब पे जो है ग्रेविटेशनल, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ है होल्ड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन, द फोर्स डैट कॉज एक्सलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन है, दिस इज योर सेंटर। तो जो एक्सलरेशन होता है ना, फोर्स ऑफ एक्सलरेशन, वो हमेशा ही टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। All bodies, whether large or small, fall with the same force, same acceleration, same velocity and same momentum. तो all bodies, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, हमेशा ही same acceleration के साथ जो है fall करती है। तो इसका answer रहेगा same acceleration. चलो next question देखते हैं। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड वाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ स्पेसशिप इज द रिजल्ट ऑफ, तो जब भी वेटलेसनेस का कंसेप्ट आएगा दैट मीन वहां पे ग्रेविटी जो है आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सिक्स का जो आंसर रहेगा वो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी रहेगा। ठीक है, ना ही इनर्शिया होता है, ना ही एक्सेलरेशन, ना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेटलेसनेस का कंसेप्ट जो है वो जीरो ग्रेविटी पे है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an object fall freely to the earth, the force of gravity is, जब भी free fall का concept आएगा तो जो आपकी gravity होगी वो हमेशा same direction में act करेगी जिस direction में motion होगा। ठीक है, suppose करो ये ball जो है वो नीचे जो है आ रहा है, यानी free fall हो रहा है, तो जो gravity होगी वो भी same direction में ही होगा, जो gravity है वो सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, देखते हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये तो नहीं है, इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मोशन, जीरो और कांस्टेंट। तो जीरो भी नहीं होती, कांस्टेंट भी नहीं होती, सेम इन द डायरेक्शन एज दैट ऑफ मोशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो सपोज दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये आपका अर्थ है, और यहाँ पे जो है मून जो है इसके ऑर्बिट में घूम रहा है, दिस इज द मून। ठीक है, सो जो मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ होगा वो क्या होगा, हमेशा उसे एक फोर्स जो है होल्ड करके रखेगी, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, सो आंसर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेट
वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, ठीक है, हम ये अर्थ सपोज करिए आपका अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर पे, सेंटर पे जैसे भी जैसे जैसे आप सेंटर पे आओगे ना, तो ग्रेविटी जो है वहां पे जीरो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो जो वेट होगा बॉडी का एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो वेट है ऑब्जेक्ट का, इज द ग्रेविटी ऑफ द मैटर इट कंटेन रेफर्स टू इट्स इनर्शिया, ना इनर्शिया का तो कंसेप्ट ही नहीं है। इज द सेम एज इट मास बट एक्सप्रेस्ड इन द डिफरेंट यूनिट्स, नो ये भी नहीं आंसर। तो इज द फोर्स विद विच इट अट्रैक्ट टू द अर्थ, तो जो वेट होता है ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमेशा टूवर्ड्स द मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी उसकी, उस पर किसकी, अर्थ की। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्स वन, फर्स्ट भी नहीं है, ठीक है। इज द फोर्स विद विच इट अट्रैक्ट टू द अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहाँ पे नो एयर हो, ठीक है। सो इन वैक्यूम ऑल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम स्पीड, हैव द सेम वेलोसिटी, हैव द सेम एक्सेलरेशन, हैव द सेम फोर्स। तो जब भी वैक्यूम का केस होगा तो वहां पे जो फ्री फॉल का कंसेप्ट है, वहां पे जो एक्सेलरेशन होगी दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की, वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड टू द प्लैनेट बाय द, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने अभी बताया था, जैसे अर्थ का मैंने अभी बताया था, अर्थ और मून का, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी वो टूवर्ड्स दी मतलब अर्थ पे लग रही थी, ठीक है। अर्थ जो है मून पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अप्लाई कर रहा था, तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड टू द प्लैनेट, तो प्लैनेट्स की बात हो रही है। फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सन, हीट एनर्जी ऑफ द सन, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो सपोज ये आपका सन है, सन के इर्द गिर्द ही जो है आपके प्लैनेट्स जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सन जो है उन पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा एंड दैट इज द सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड टू द प्लैनेट बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सन, तो सेकंड जो है इसका आंसर रहेगा। चलो 13th क्वेश्चन देखते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन द वैल्यू ऑफ जी इज लार्जेस्ट, तो मैंने अभी बताया था कि ये आपका अर्थ है और यहाँ पे पोल्स पे और आपका ये आपके इक्वेटर्स पे जो जी की वैल्यू है वो वेरी करती है। जो पोल्स होते हैं वहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम, और इक्वेटर्स पे जो जी की वैल्यू होती है वो होती है मिनिमम, ठीक है। तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन द वैल्यू ऑफ जी इज लार्जेस्ट, ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, ऑन द टॉप ऑफ द कुतुब मीनार, एट द प्लेस ऑफ द इक्वेटर, तो इक्वेटर तो नहीं है, ये भी नहीं है, अ कैंप साइट इन द अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका कहाँ पे है, आपके पोल्स में है, सो यह फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलो 14th क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, हमने एक बॉल जो है वो वर्टिकली अपवर्ड जो है उसको थ्रो किया है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो उसकी एक्सेलरेशन लगेगी वो लगेगी टूवर्ड्स दी, देखिए मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा रखा है, जिस इसकी जो एक्सेलरेशन लगेगी वो लगेगी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। एक चीज को यहाँ आपने ध्यान रखना है, जब फ्री फॉल होगा, जब फ्री फॉल होगा यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है नीचे आ रहा है, तो उसकी जो ग्रेविटी होती है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा होगा तो जो उस पर जी की वैल्यू होगी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ शार्प नीडल ऑन द सर्फेस इज, तो सबसे पहले मैं प्रेशर का फॉर्मूला लिख देती हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, और जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। तो यहाँ है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ शार्प नीडल ऑन दिस, जो नीडल होता है जो उसका दैट नीडल का जो एरिया होगा वो बहुत ज्यादा मतलब कम होगा, ठीक है। तो मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लंट नीडल, ब्लंट नीडल जो होगी उसका जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट वन, प्रेशर जो है एरिया पे डिपेंड होता है, यानी प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। तो ये आपने ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, सो द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ बियोंसी, द फ्रिक्शन बिटवीन प्लैनेट्स एंड सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बियॉन्ड फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्लूइड
ऑलवेज एक्ट, जो बियॉन्ड फोर्स होती है ना, सपोज दिस इज योर, यहाँ पे हम एक बीकर ले लेते हैं, यहाँ पे आपका एक पानी है, तो यहाँ पे सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, पार्शली इमर्ज हो रहा है, ठीक है, पार्शली इमर्ज हो रहा है, तो इस पे जो बियॉन्ड फोर्स लग, इसका जो वेट है वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड, ठीक है, इसका जो वेट है वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड, लेकिन जो इसमें बियॉन्ड फोर्स है वो ऑलवेज एक्ट करती है अपवर्ड, ठीक है, तो जो बियॉन्ड फोर्स होगी ऑन दी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फ्लूइड ऑलवेज एक्ट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, मैं एक बार दोबारा जो है फोर्स का फॉर्मूला लिख देती हूँ, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से हम जी का आंसर निकाल लेते हैं, जी इज आर जो है यहाँ चला जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, तो जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के भी, दैट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो चेक करते हैं, अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स, ये भी ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये भी ठीक है, द फोर्स ऑफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, ये भी ठीक है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर रहेगा। चलो द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, आयरन नेल सिंक इन वाटर बिकॉज, आयरन नेल जो है वो पानी पानी में क्या करती है, सिंक कर जाती है, क्यों होता है, तो जो वेट है नेल का, आयरन नेल का, वो लेस होता है देन द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट इज, तो ये बिल्कुल भी नहीं आंसर, वेट ऑफ द नेल इक्वल होता है द बियॉन्ड फोर्स, अगर इक्वल होगा तो जो आपका, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी, यहाँ पे अगर यहाँ जैसे इसने लिखा कि जो वेट ऑफ नेल है वो लेस देन है बियॉन्ड फोर्स थे, तो अगर लेस देन होगा तो जो आपका आयरन नेल होगा वो क्या करेगा, पार्शली इमर्ज्ड होगा, और अगर वेट ऑफ नेल इक्वल हो गया बियॉन्ड फोर्स से, तो जो आपका आयरन नेल है वो पानी में क्या करेगा, दैट फुली इमर्ज्ड हो जाएगा, सिंक नहीं करेगा, फुली इमर्ज्ड हो जाएगा, लेकिन वेट ऑफ नेल अगर ग्रेटर हो गया बियॉन्ड फोर्स से, तो जो आपका आयरन नेल है वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो थर्ड रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, दैट इज एन ऑब्जेक्ट जस्ट फ्लोट इन वाटर इफ कॉमन सॉल्ट इज एडेड इनटू द वाटर, यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी अगर कॉमन सॉल्ट ऐड करोगे ना पानी में, तो क्या होगा, जो आपका डेंसिटी होगा पानी का वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जब भी आप कॉमन सॉल्ट डालो तो जो पानी की डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो अगर पानी की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो आपका द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट वो इमर्ज्ड इन द लिक्विड वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज्ड होनी शुरू हो जाएगी। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, दिस इज द लेवल वन, इसके बाद भी हम जो है ग्रेविटेशन का लेवल टू लेकर आएंगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन ज़रूर करिए। थैंक यू।